अच्छा तुम तो आ गए, ये असगर कहाँ चला गया? सही असगर, असगर आपका सुनकर भागा दौड़ा घर पे गया। बोला मैं तो घर पे नमाज पढ़ रहा हूँ, गिर गया होगा जाके नमाज में से। घर नमाज पढ़ने कर गया है और तुम यहाँ राने श्राने और फिल्में फिल्में देख रहे हो क्या? साईं ये नूर भटारे की कसम, ये फिल्में हमने देखना छोड़ दी, चलाना छोड़ दी। अब रुको, हमारे पास मौलवी साहबों की तकरीर चलती है, वो देखो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। आय है सुभान अल्लाह। तो ये सिंध है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, ये सिंध है। यहाँ खाकसार तहरीक भी बड़ी जबरदस्त, तालपुर बिरादरान उस खाकसार तहरीक के बहुत नुमाया कारकुन थे। ये सिंध है जहां पंजाब से आने वाला एक नौ मुस्लिम था, पंजाबी, सिख से मुसलमान हुआ था, मौलवी उबैदुल्ला, लेकिन उसके नाम के साथ सिंधी लग गया हमेशा के लिए। मुजाहिद इंसान, हजरत शेख उल हिंद का सिपाही उबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, वो सिंध है। ये इसकी बड़ी पुरानी तारीख जो है बड़ी शानदार है। ये शहर वो है जिसने अंग्रेजों के साथ जंगें की, ये सूबा वो है जिसने एक दिन के लिए भी अंग्रेज की हुकूमत को दिल से तस्लीम नहीं किया। 1944 तक, पार्टीशन ऑफ इंडिया और आजादी हिंद से 3 साल पहले तक, हिंदुस्तान में जो सबसे आखिर में सूबा फतह हुआ है अंग्रेज के हाथों पर, वो सिंध था। लेकिन सिंधी मुसलमान ने अंग्रेज के इस हुकूमत को ज़ेदन तस्लीम नहीं किया। वहां बहुत बड़ी तहरीक थी, हुर तहरीक, उसने मुकाबला किया है। और ये 1940 जो है उनके दौरान तक भी ये खबरें अखबारात में पढ़ते थे, मैं भी उस वक्त अखबार पढ़ने के काबिल हो चुका था कि आज फला रेलवे स्टेशन को आग लगा दी हुरों ने, और आज फला थाने को जला दिया है, और आज फला ये कर दिया है, और ये जो हमारे पीर पगाड़ा साहब हैं इनके वारिस साहब को फांसी दी अंग्रेज ने और फिर लाश तक नहीं दी, कहीं उनकी कब्र का निशान तक नहीं। और इन दोनों भाइयों को वो ले गया हिंदुस्तान ताकि इनकी ब्रेन वॉशिंग करें और वहां की तहजीब व तमद्दुन का उनके ऊपर रंग चढ़ाए। ये कैफियत थी कि जिसकी वजह से अंग्रेज को मुसलमानों से खौफ था, अंदेशा था कि ये मुसलमान जो है अपनी खोई हुई हुकूमत वापस हासिल करने के लिए कोई बड़े से बड़ा कदम उठा दे। अंग्रेजों को चैन से नहीं बैठने दिया, आप समझिए वजह क्या है। पंजाब में कितने कॉलेज खोले गए, भावलपुर से शुरू हो जाए, एससी कॉलेज भावलपुर, एमर्सन कॉलेज मुल्तान, एचिसन कॉलेज और क्रिश्चियन फॉरमैन एफसी कॉलेज, फिर मरे कॉलेज सियालकोट, फिर गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी, फिर एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर, इस सब में कायम किए, सिंध में कोई नहीं किया। क्यों नहीं किया, कभी सोचा आपने? सिंध में तो किसी पारसी ने कोई मदरसा खोल दिया, किसी मुसलमानों ने कोई मिलजुल के कोई मदरसा इस्लाम कायम कर लिया, अंग्रेज ने कोई नहीं बनाया यार, क्यों नहीं बनाया? उसे मालूम था कि सिंधियों के दिलों में हमारे खिलाफ बगावत है, ये कभी हमारे वफादार नहीं होंगे, जब भी मौका मिलेगा हम पर हमला करेंगे। अरे अरे साईं, ये तो बिजली ही चली गई। डॉक्टर साहब पता नहीं क्या फरमा रहे थे, लेकिन थी कोई काम की बात। बाबा ये लाइट तो आती जाती रहती है, आती जाती रहती है, हम लोग इसके आदि हो गए। मौली साहब जो बात कर रहा था वो ये बात है, ये तारीख की हकीकत है कि अंग्रेजों ने हम पर 200 साल हुकूमत की, पूरे अजीम शान मुल्क मुसलमानों का जो हिंदुस्तान मुल्क था उस पर कब्जा किया और हमें गुलाम बनाया। मगर जाते जाते जब उसने देखा कि उनको भगाने वाले जहां से हुर तहरीक शुरू की है और उबैदुल्ला सिंधी ने रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू की, तो उसके बाद वो भागने पर मजबूर हो गया। अपना इस्लामी मुल्क कायदे से हमने डरा दिया, हमने तो बचा दिया, मगर वो कश्मीर बेचारे उधर जो उनके नरगे में आ गए हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला हमें कहता है कि भाई जो मजलूम हैं, जो औरतें मजलूम हैं, बच्चे मजलूम हैं, जहां तड़प रहे हैं, तुमको पुकार रहे हैं, उनको बचाने के लिए उठो, जहाद करो। ये देखो कुरान पाक में सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत कही है, इस बात को सुनो।
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن پاک نے تو ہمیں جہاد کرنے کی ترغیب دی ہے لیکن ابھی ہم اپنے بچوں میں اس چیز کو باقاعدہ نافذ کریں گے اور ہماری فوج ہمیشہ زندہ باد رہے اور ہم دنیا میں سر فخر سے بلند کریں انشاءاللہ. ہم پاکستانی ہیں.